फ्रेंड्स, आज मैं डिजाइनर स्लीव्स काटिंग और सिलाई करके दिखाऊंगी। स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा समझाने की कोशिश करूंगी। इसका देखिए टोटल जो लंबाई है मैं 10 इंच रखूंगी, लेकिन यहाँ पे ऊपर की तरफ देखिए हमें 7 इंच लेना है और बाकी नीचे की तरफ एक्स्ट्रा होगा। टोटल 10 इंच है तो बीच में जॉइंट होगा, जॉइंट के लिए हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। स्लीव्स की चौड़ाई के लिए यहां से हमें मेजरमेंट लेना है। देखिए 7.5 इंच से 1 सूट ज्यादा है, इतना तक हमें लेना है। 7.5 इंच से 1 सूट ज्यादा, लेकिन इसके साथ हमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो बीच में थोड़ा सा फैब्रिक कम है, कोई दिक्कत नहीं होगा, अंदर की तरफ रहेगा, हमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो जितना चौड़ाई यहाँ पे है उतना से हो जाएगा। अभी नीचे की तरफ देखिए कितना डाउन करना है, 4.5 इंच डाउन करना है। इतना हो गया, लेकिन यहाँ पे हमें अलग से ज्वाइन करना है क्योंकि यहाँ पे प्लेट्स होगा, तो प्लेट्स के लिए हमें अलग से ज्वाइन करना है। तो बाद में हमें ज्वाइन करना है, पहले जो नॉर्मल जिस तरीके से होता है उसी तरह मेजरमेंट में लगा लूंगी। अभी देखिए यहाँ से हमें अंदर की तरफ 2.5 इंच लेना है, फिर उसी हिसाब से यहाँ पे शेप देना है। तो पहले नॉर्मल देखिए ऐसे हो गया, ये नॉर्मल स्लीव्स हो गया है। अभी देखिए मुहरी के लिए हमें क्या करना है, जितना आपका स्लीव्स का मुहरी है उतना पहले रख दो। इसके साथ आप चाहो तो यहाँ पे 2 इंच एक्स्ट्रा ले सकते हो, 2 इंच एक्स्ट्रा जरूरी नहीं होता है, आप 1.5 इंच भी एक्स्ट्रा ले सकते हो, फिर ज्यादा लेने से अच्छा होता है। इसको तिरछा करके ऐसे मिला दो, हो गया। तो स्लीव्स का यहाँ पे नॉर्मल स्लीव्स यहाँ पे हो गया है, लेकिन यहाँ पे नॉर्मल नहीं है, थोड़ा सा शेप होगा, तो जिसके कारण हमें यहाँ पे देखिए ज्यादा ऊपर हुआ नहीं रखूंगी, जिसके कारण मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा नहीं लिया, नॉर्मल रखूंगी, लेकिन यहाँ पे प्लेट्स होगा। तो अभी देखिए यहाँ पे हल्का सा मैं उठाऊंगी इसको, ऐसे सिंपल तरीके से मैं ऐसे इसको उठा दूंगी और कुछ भी नहीं करना है। फ्रंट की तरह हल्का सा शेप लगा लूंगी, काट लाके रख दूंगी। तो देखिए यहाँ पे स्लीव्स के लिए मैंने कितना फैब्रिक एक्स्ट्रा लिया, 4.5 इंच हमें फैब्रिक एक्स्ट्रा लिया। यहाँ पे सिलाई पे लगभग 1/2 इंच दब जाएगा, तो उसके बाद यहाँ पे 4 इंच रहेगा। और यहाँ पे एक्स्ट्रा हमें प्लेट्स डाल देना है और नीचे की तरफ यहाँ पे इसको जर्न करना है। देखिए इतना सा यहाँ पर जितना है पूरा एक्स्ट्रा है, इसी फैब्रिक से हमें प्लेट्स डालना है, तो देखने में ये अच्छा लगता है, लेकिन शेप यहाँ पे ज्यादा ऊपर हुआ नहीं होगा। स्लीव्स पे देखिए यहाँ पे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक काट किया था वो मैंने जॉइंट लगा लिया, जैसे है बिल्कुल वैसे सीधा करके मैंने जॉइंट लगा लिया। अभी इसका मिडल हमें निकाल लेना है। नीचे का जो पार्ट है इसका भी हमें मिडल निकाल लेना है। अभी देखिए दोनों मिडल हमें बराबर कर लेना है। अभी देखिए दोनों मिडल से हमें सिलाई करना है। जहां पे ये जॉइंट है बिल्कुल यहां तक हमें, यहां तक देखिए कोई भी प्लेट्स नहीं देना है। अभी यहाँ पे जितना फैब्रिक है इसी फैब्रिक से यहाँ पे प्लेट्स देना है। फ्रेंड्स देखिए मिडल से मैंने इस साइड पे सिलाई लगा लिया, लेकिन मैंने गलती से कैमरा ऑन नहीं किया था। अभी देखिए दोबारा से हमें इस साइड से सिलाई करना है। यहाँ पे जो जॉइंट है बिल्कुल जॉइंट तक हमें सीधा लेके आना है, उसके बाद यहाँ से प्लेट्स डालना है। बहुत ही छोटा करके ये प्लेट्स डालना है। देखिए यहाँ पे ये जो प्लेट्स है इस तरफ है,
और बिल्कुल मिडल से जो प्लेट से ये इस तरफ है, ऐसे आपको देना है तब देखने में अच्छा लगता है। अभी यहाँ से और एक सिलाई देना है, आप चाहो तो लेस भी लगा सकते हो। नीचे का जो फैब्रिक है इस फैब्रिक के साथ रखना है। देखिए जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था इसको नीचे की तरफ रखना है, ऊपर की तरफ नहीं देना है। अभी मोरी पे मैं यहाँ फोल्ड करके सिलाई लगा लूंगी, आप चाहो तो यहाँ पे भी नीचे की तरफ एक्स्ट्रा लेस लगा सकते हो। अभी देखिए स्लीव ज्वाइन करना है तो काटिंग करते वक्त मैंने यहाँ पे फ्रंट के लिए हल्का सा काट लगा के रखा था, बिल्कुल मिडल से हमें सिलाई करना है। नीचे का जो यह सिलाई है इसको देखना है, जिस तरफ ये सिलाई है बिल्कुल उसी तरफ यहाँ पे ये सिलाई देना है। ये जो जॉइंट है बिल्कुल जॉइंट जितना है उतना ही हमें प्लीट्स देना है। दोबारा से हमें यहां से सिलाई देना है। यहाँ पर देखिए मैंने फिटिंग्स लगा लिया, फिटिंग्स के बाद आर्महोल पर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इतना फैब्रिक हमें नहीं चाहिए। देखिए यहाँ पे पूरा ब्लाउज कंप्लीट हो गया है, कंप्लीट होने के बाद देखिए इस तरीके से इसका लुक है। तो ये जो ब्लाउज है किस तरीके से काटिंग करना है इसका वीडियो अपलोड हो गया है, अगर आपने नहीं देखा तो जरूर देख लीजिएगा, और सिलाई का वीडियो भी आपको मिल जाएगा। पसंद आने पर एक लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा।